नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज आपको हम बेसिक चीज बताएंगे कि सोलर प्लांट को इंस्टॉल करने में क्या क्या टूल्स की आवश्यकता पड़ती है और सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स कौन सी है उसके बारे में आपको बेसिक बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका MC4 कनेक्टर, ये भी है आपका MC4 कनेक्टर। ठीक है, इसमें दोनों में अंतर क्या है कि इसका देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसका जो ऐसे निकला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मेल MC4 कनेक्टर। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल MC4 कनेक्टर। ठीक है, ये दोनों आपस में ऐसे ज्वाइंट होती है। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक पिन है और यहाँ भी एक पिन है, तो ये मोटी वाली जो पिन है ये आपको लगेगी मेल वाले MC4 कनेक्टर में, और ये जो पतली वाली पिन है ये आपको लगेगी फीमेल वाली MC4 कनेक्टर में। तो चलिए आपको आज हम सारी चीज़ बताएंगे, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको लगाते कैसे हैं, केबल से कैसे कनेक्ट करते हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं इसका क्या काम है। इसका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये है आपका MC4 ओपनर टूल। ठीक है, MC4 जब लॉक हो जाती है तो उसको ओपन कैसे करते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और MC4 को टाइट भी किया जाता है इसी के मदद से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दो मैंने केबल के टुकड़े लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको MC4 क्रिम्पिंग टूल है, ये जो पिन है उसको केबल में कैसे क्रिम्प करेंगे वो भी चीज़ आपको बताएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा वायर कटर है। ठीक है, वायर को हम कैसे कटिंग करेंगे वो चीज़ आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले वायर कटर से। पहले हम इस केबल को लेते हैं और यहाँ से हम इसको कट करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, जैसे कि ये देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी हमने कट कर दिया, और इस साइड से भी थोड़ी सी कट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने दोनों तरफ से केबल को कट कर दिया। अब बताते हैं कि MC4 को इसमें इंस्टॉल कैसे करते हैं, MC4 को इसमें लगाते कैसे हैं। तो इसका वेरी बहुत ही आसान तरीका है। जैसे देखिए, जैसे इधर हमको नेगेटिव वाला लगाना है, फीमेल वाला लगाना है, तो सबसे पहले इसको यहाँ पे हम केबल को इसके अंदर में ऐसे डाल देंगे पूरी तरीका से। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो अपना टूल है इसमें देखिए, ये इस पे यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिए क्लियर आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे देखिए 4 square mm, 6 square mm, 2.5 square mm, ये तीनों, ये टूल में तीनों तरह के केबल को हम क्रिम्पिंग कर सकते हैं, उसके लिए बना रहता है। तो हमारा जो केबल है वो 4 square mm, तो 4 square mm पे इसको हम सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, बीच में है 4 square mm, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली ऐसे बीच में सिंपली, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये बीच में हम इसको लगा दिए, और नॉर्मली क्या करेंगे, इसको क्रिम्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको क्रिम्प कर दिए हम, यहाँ से देखिए इसको हम क्रिम्प कर दिए। अब खोलेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया से क्रिम्प हुई है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, ये क्रिम्पी टूल की मदद से ही ये क्रिम्प हुई है इतनी बढ़िया से ना। तो जनरली इतनी बढ़िया से क्रिम्प आप पिला, बहुत जगह पे आप देखिएगा कि बहुत सारे जो वर्कर होते हैं वो प्लायर से इसको दबा देते हैं और MC4 कनेक्टर में लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि प्लायर से आप जब दबाते हैं तो ये पूरी तरह से केबल में क्रिम्प नहीं होती। अभी इसको आप कितना भी खींचिएगा ये आपको निकलेगा नहीं, लेकिन प्लास वाला आपका निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली एक MC4 कनेक्टर उठाएंगे फीमेल वाला, यहाँ से क्या करेंगे कि इसमें हम ऐसे लगा के और अंदर प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये प्रेस कर दिए, यहाँ से पुट से आवाज़ करेगा, अब ये आपके पूरी तरह से फिक्स हो गई, अब ये निकलेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा खींच के देख लेते हैं, ये निकलेगी नहीं, पुट से आवाज़ करेगी, यानी कि ये फिक्स हो गया। तो ये आपका नेगेटिव फिक्स हो गया। अब सेम तरीका से हम पॉजिटिव को एक आपको दिखाते हैं कि पॉजिटिव को फिक्स करना है तो उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए केबल को थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ से क्या करेंगे, ये अपना लिए MC4 पिन, और ये हमारा रहा MC4 टूल। ठीक है, अब इसको हम पहले क्या करेंगे कि यहाँ से MC4 रखते हैं, यहाँ से हम केबल को पूरी तरीके से लगा देंगे, और केबल को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से हम ये बीच वाले उसमें सेट करेंगे, इसका जो बीच वाला घाट बना हुआ है उसमें हम सेट करेंगे। जैसे देखिए बीच वाले में सेट कर दिए, यहाँ से केबल पूरी तरीका से लगा दिए, और नॉर्मली इसको हम
क्रीम करेंगे, ऐसे प्रेस करते हैं हम लोग, ऐसे प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक एकदम बढ़िया से क्रीम हो जाएगी। जैसे कि देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे ये क्रीम हो गई, ठीक है, तो ये क्रीम हो गई। अब इसको आप कितना भी निकालने का कोशिश करिएगा तो नहीं निकलेगा। और इसको नॉर्मली क्या करेंगे कि MC4 पॉजिटिव वाला जो MC4 कनेक्टर है उसको इसमें लगा के और प्रेस कर देंगे, नॉर्मली ऐसे प्रेस कर देंगे। और ये अभी ठीक से हो नहीं पाई, इसको हम फिर से करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ इसको प्रेस कर दिए और ये फिक्स हो गई, ठीक है। तो अभी इसके बाद आपको हम ये बताते हैं कि ये आपको हम सिखा दिए कि MC4 कनेक्टर कैसे लगाते हैं। आप किसी भी केबल में सेम प्रोसेस है, इसी तरीका से आप MC4 कनेक्टर लगा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस टूल का क्या काम है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे देखिए, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। बाई चांस देखिए, अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट कर देते हैं कहीं पे, ऐसे कनों को, यहाँ पे घाट बनी हुई होती है, यहाँ पे आपका ये देखिए, ये आप यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जाके इसमें मेल वाला इसका इसमें बैठ गया, ठीक है, यहाँ पे बैठ गया। तो ये इसको आप कितना भी आप खींच दीजिए, ये MC4 ओपन नहीं होता है। और जनरली हम लोग अगर सोलर प्लांट पे काम करते हैं और DC/DC या कहीं पे भी कनेक्ट कर देते हैं, स्ट्रिंग बनाने के समय कनेक्ट कर देते हैं, एक बार ऐसे लग जाता है और बाय मिस्टेक हमको वापस से निकालना है, तो ये निकालना बड़ी मुश्किल होता है। तो उसी के लिए हम लोग उपयोग करते हैं इस चीज़ का, यानी कि ओपनर का। तो इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, अगर ऐसे मेरा लगा हुआ है तो ये देखिए, जो इसका साइज़ बना होता है वो इसी के अकॉर्डिंग बना होता है, ये देखिए इसमें आराम से फिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो घाट है इस पे हम इसको रख के थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये देखिए इजीली निकल गया, ये देखिए इजीली निकल गया। आपको हम दोबारा करके दिखाते हैं, ये किए इधर से, हम इसको प्रेस किए, ये आपका पूरी तरह से लग गया। आप कितना भी खींचेंगे, कितना भी आप खींचिएगा तो नहीं निकलेगा, ये टूट जाएगा बट निकलेगा नहीं। उसके लिए ये दोनों को जब तक प्रेस नहीं करेंगे तब तक नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे तो है तो हम हाथ लगा सकते हैं या नॉक प्लस लगा सकते हैं, लेकिन जब आप सोलर प्लांट पे काम करिएगा तो हाथ आप नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, नॉर्मली ये MC4 ओपनर टूल को यहाँ लगाएंगे और प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये इजिली निकल गया, ठीक है दोस्तों। और इसका इस्तेमाल एक और जगह होता है, वो किस जगह होता है, जैसे कि ये एक तो इसका इस्तेमाल आप समझ गए, इसका भी इस्तेमाल हम लोग ओपन करने के लिए ही करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये दो बीच में जो ये बना हुआ है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ये भी आपको बता दें कि इसका जो इस्तेमाल है, हम MC4 कनेक्टर के जो पीछे वाला भाग होता है उसको टाइट करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे दो हमारे पास है तो एक से हम क्या करेंगे, एक से हम इसको लॉक कर लेंगे और दूसरा से क्या करेंगे, इसको हम टाइट करेंगे। जैसे देखिए, ये आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये टाइट होती है और इसको हम लोग पूरा टाइट करते हैं ताकि हम लोग को बरसात और साथ के दिन में किसी तरह का कोई पानी अंदर ना जा पाए, नमी अंदर ना जा पाए, ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ से हम लोग ऐसे टाइट करते हैं, देखिए ये पूरी अभी टाइट हो गई। अब इसको ओपन करना होगा तो इसमें प्लास तो लगा नहीं सकते हैं, तो ओपन करने का भी यही नियम है, एक को फिक्स कर दीजिए यहाँ पे सपोर्ट के लिए और एक से ओपन कर लीजिए आराम से। देखिए बता दें, एक से आप ये देखिए ओपन कर दिए, ये ओपन हो गए, ये आपको दोस्तों देखिए ये ओपन हो गए, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल यहाँ से किया जाता है और ये भी जो है इसको भी लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर जो जहाँ पे आपको पूरी स्पेस है, जहाँ पे आप इसको पूरी फिक्स कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको भी आप लॉक करके ऐसे और इजीली आप टाइट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा MC4 टाइट करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है, MC4 को ओपन करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। बिना इस टूल के इस्तेमाल के आप MC4 ओपन ना करें, क्योंकि अगर एक बार जो ये लग गई और आप उसमें प्लायर वगैरह से, मान के चलिए प्लायर वगैरह से यहाँ पे प्रेस करते हैं, तो बार बार करने से ये आपका जो ये लॉक बनी हुई है तो ये लॉक ख़राब हो जाती है और ये MC4 आपका बेकार हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और MC4 एक बार बेकार हो गई तो आपको पूरा पिन के सहित
आपको उसको निकालना होता है, यानी कि पिन भी आपका खराब हो गया, MC4 का पूरा सेट खराब हो गया आपको। फिर जैसे कि ये रही, अगर हमारा ये MC4 लॉक हो गया और ये पिन बाई चांस खराब हो गई, तो हमको यहाँ से पूरा केबल ही काटनी पड़ेगी, यहाँ से पूरा केबल काट के फिर नया MC4 कनेक्टर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस टूल का इस्तेमाल समझ गए होंगे, मेल फीमेल जो MC4 कनेक्टर है उसको कैसे लगाते हैं वो चीज़ समझ गए होंगे, और इस टूल का भी इस्तेमाल आप क्लियरली समझ गए होंगे। अगर इस टूल से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।